हेलो, वेलकम बैक टू ट्रेडिंग बॉयज। तो आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हमने ट्रेड डिप्लॉय करी है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और ट्रेड का थोड़ा सा लॉजिक जानेंगे कि हमने वो ट्रेड क्यों डिप्लॉय करी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा। देखो, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसके ऊपर हम रियल टाइम अपडेट देते रहते हैं। जो भी ट्रेड हम लेते हैं मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। जैसे आज जो मैंने ट्रेड डाली है, देखो ये ट्रेड हमारी है और मैंने डालते ही इसका अपडेट दे देता कि मैंने एक ट्रेड यहाँ पे डिप्लॉय करी है, ठीक है। और बाकी की सारी अपडेट मार्केट से रिलेटेड मैं यहाँ पे देते रहता हूँ। ट्रेड के अंदर जो भी एडजस्टमेंट होती है मैं यहाँ पे उसको अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, लिंक पे क्लिक करो, सीधा टेलीग्राम चैनल ओपन होगा, उसको क्या करना है हमें फॉलो करना है, ठीक है। आओ जरा चलते हैं हम अपनी वीडियो पे, ठीक है। अब अगर वीडियो की बात करें, एक सेकेंड रुको जरा, वीडियो की बात करें, सबसे पहले हम शेयर करते हैं अपना ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। देखो, जैसे ही मैंने ट्रेडिंग व्यू शेयर करा तो सबसे पहले हमें आज चार्ट देखना पड़ेगा कि थोड़ा सा डेली टाइम फ्रेम पे कि निफ्टी किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अब देखो, बिहेवियर को समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ती हैं। सबसे पहले तो आपको कुछ लेवल्स देखने पड़ेंगे। आपको एक लेवल ये दिख रहा है, ये वाला लेवल जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या था, सपोर्ट बना हुआ था, दिख रहा है ये, ठीक। ये वाला जो लेवल है जो मैं मार्क कर रहा हूँ, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था, वो इस वाली कैंडल ने ब्रेक कर दिया था, ठीक है। एक काम करते हैं, जरा पहले अपना कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो लेवल था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्या बना हुआ था, सपोर्ट बना हुआ था, बट इस कैंडल ने उसको ब्रेक कर दिया और मार्केट के अंदर एक सडन क्या आई, सेलिंग आई। बट अब मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेके दोबारा से इसको क्या करने जा रहा है, रिटेस्ट करने जा रहा है, हो सकता है फिर नीचे जाए, ठीक है। तो मैं ये बोल सकता हूँ अभी हमारे पास ऊपर एक क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गई है। आप सबको पता है, मैं सारी वीडियोस के अंदर बताता हूँ, जब भी कोई रेजिस्टेंस या नीचे की तरफ, ऐसे ले लो सपोर्ट, जब भी कोई रेजिस्टेंस टूटती है तो वो नीचे की तरफ क्या बन जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। और जब भी कोई क्या मैंने बताया, सपोर्ट टूटता है तो वो क्या बन जाती है, फिर वो रेजिस्टेंस बन जाती है। क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे सेम यही तो हुआ, ये एक सपोर्ट था और ये मार्केट के अंदर सेलिंग है, ये सपोर्ट टूटा तो अब ये क्या बन जाएगा, ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, दिस विल एक्ट एज अ रेजिस्टेंस। इतनी बात समझ में आई। अब मैं ये बातें क्यों कर रहा हूँ कि एक तो लेवल हमारे सामने ये आ गया, दिख रहा है ये वाला लेवल, ठीक है। ये कितने का लेवल हो सकता है, ये है हमारा 17,500 का लेवल, ठीक है। अच्छा, मैं ये जो भी बात कर रहा हूँ, इस एक्सपायरी की बात नहीं कर रहा, मैं नेक्स्ट एक्सपायरी की बात कर रहा हूँ जिसके लिए हमने ट्रेड डिप्लॉय करी है। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, और दूसरी दूसरी हमारे सामने कहीं ना कहीं एक ये वाला लेवल दिख रहा है आपको, ये एक सेकंड रुको, ये वाला लेवल एक अच्छी खासी रेजिस्टेंस या सपोर्ट, सॉरी सपोर्ट बना हुआ है। तो ये सपोर्ट है और ये हमारे सामने क्या है, रेजिस्टेंस। दिस इज अवर रेजिस्टेंस एंड दिस इज अवर सपोर्ट। तो क्या हमें एक रेंज मिल रही है मार्केट जिसके बीच में फंसा हुआ है, ये मैं थोड़ी सी एक्सटेंड करके ले रहा हूँ। अदरवाइज हमारे पास एक 17,000 भी क्या बनी हुई है, 17,000 भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट फिर भी मैंने चार्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मार्जिन लेके एक रेंज और फाइंड कर ली, ताकि हमें एक थोड़ी सी बड़ी रेंज मिल जाए प्ले करने के लिए, क्योंकि मार्केट अब थोड़ा सा फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। समझ में आ गई बात। तो ऊपर की तरफ ये वाला लेवल, नीचे की तरफ ये वाला लेवल, हमारे पास एक रेंज आ गई है ऑन डेली टाइम फ्रेम। इतनी बात समझ में आ गई। तो निफ्टी अभी फंसता हुआ दिखाई दे रहा है, इतनी बात क्लियर है, ठीक। और अगर नीचे जाता भी है तो मैंने आपको बताया क्या, पूरा प्रॉपर प्राइस एक्शन बना के जाएगा, ये नीचे आया, ये रीटेस्ट हुआ, फिर नीचे जाए। समझ में आ गई बात, इस तरीके से। और उसके अंदर टाइम लग जाएगा अभी, तो कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर ही फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस रेंज के अंदर फंस गया तो फिर हम निफ्टी को इजिली पकड़ लेंगे। इतनी बात समझ में। और जरा थोड़ा सा इसी बात को हम क्या करते हैं, इसी बात को और वैलिडेट करते हैं किसी और एनालिसिस के थ्रू। तो कोई और एनालिसिस क्या हो सकता है, कोई और एनालिसिस हो सकता है ओपन इंटरेस्ट। हम क्या देख सकते हैं, ओपन इंटरेस्ट में जाते हैं और जो एक्सपायरी सिलेक्ट करते हैं वो मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट, दैट इज 13 अक्टूबर। जैसे मैं 13 अक्टूबर पे आया तो आपको यहाँ पे देखो कुछ बातें दिख रही होंगी। एक तो मेरे पास नीचे की तरफ सपोर्ट, बताओ कहाँ है, 17,000, जो कि मैंने आपको अभी चार्ट के अंदर बता के आया हूँ, दिख रहा है ना, अच्छा खासा सपोर्ट है। और ऊपर मेजर रेजिस्टेंस क्या है, देखो मेजर रेजिस्टेंस हमारी 17,500 पे, जो मैंने आपको चार्ट के अकॉर्डिंग दिखाया। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एक्यूरेट रेंज मिल रही है जिसको हम प्ले कर सकते हैं। अब बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक रेंज हमें क्या मिल रही है, लगभग कितने की रेंज मिल रही है, 17,500 पॉइंट की रेंज मिल रही है प्ले करने के लिए 13 अक्टूबर के लिए, ठीक है। बट फिर भी हम अपनी ट्रेड को थोड़ा सा बड़ा बना के चलेंगे,
क्यों बड़ा बना के चलेंगे, थोड़ा सा और सिक्योर करके चलेंगे। लगभग प्रोबेबिलिटी हमारी कितनी आनी चाहिए, 77-78% के अराउंड प्रोबेबिलिटी हम लेके चलेंगे अपनी ट्रेड के अंदर। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्या हमने एक ट्रेड डिप्लॉय करी? हाँ हमने एक ट्रेड डिप्लॉय करी। आओ जरा ट्रेड दिखा देता हूँ। ट्रेड क्या है देखो, ट्रेड हमने क्या डाला है, एक कैलेंडर डाला है, ठीक है, डायग्राम कैलेंडर विद कैलेंडर हेजेस, कैलेंडर हेजेस मैंने इसके अंदर लगा रखे हैं। और ट्रेड जो मैंने बनाई है वो रेशियोज में बनाई है। रेशियोज का मतलब मैंने सेलिंग क्या करी हुई डबल, ठीक है, और बाइंग क्या करी हुई सिंगल। बट मैंने इनको किस में लिया है, सेलिंग को मैंने चार चार लॉट में लिया है और मैंने अपनी बाइंग को दो दो लॉट में लिया है। क्या ये ट्रेड मैंने शेयर कर दिए टेलीग्राम चैनल के अंदर? जब लिया था तभी मैंने इसको शेयर कर दिया था। इसकी पीओपी कितनी आ रही है, 77%। मैक्स प्रॉफिट लगभग 16,000 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। अब देखो ब्रेक इवन आप चेक कर लो, ब्रेक इवन उधर तो नीचे की तरफ सपोर्ट क्या था, नीचे की तरफ सपोर्ट था हमारा 17,000, बट फिर भी ये देखो हमारा ब्रेक इवन क्या निकल के आ रहा है, 16,500 के आ रहा हूँ। और ऊपर क्या निकल के आ रहा है, ऊपर हमारा था 17,500, ऊपर हमारा निकल के आ रहा है 17,800 के आ रहा हूँ। तो काफी हमने मार्जिन ले लिया, ट्रेड काफी बढ़ी है, अराउंड 77% की पीओपी निकल के आ रही है, ठीक। बट फिर भी ट्रेड अगर अपोजिट जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम इसके अंदर एडजस्टमेंट करना स्टार्ट करेंगे। और इस बार कोशिश करेंगे एडजस्टमेंट, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा को बैलेंस करेंगे, ठीक है। अगर मान लो ऊपर जाती है तो अपनी हम कॉल सॉरी पुट साइड को लेके आते रहेंगे आगे की तरफ, ट्रेड अगर पीछे जाती है तो हम अपनी कॉल साइड को ड्रैग करके लाते रहेंगे और हम अपनी इस रेंज को कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बस हम कुछ नहीं करेंगे, हम डेल्टा को मैच कराएंगे इस ट्रेड के अंदर, ठीक है। बट कभी ऐसा लगता है कि ट्रेड बिल्कुल ही अपोजिट जाने लगी तो हम पूरी ट्रेड को भी शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट को हम सेंटर में रखेंगे, ठीक है। ये सारी बातें मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सारी की सारी बातें आपको टेलीग्राम चैनल पे पता चलती रहेंगी, रियल टाइम अपडेट दूंगा जब भी मैं इसके ऊपर एडजस्टमेंट करूंगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो सबसे पहले चार्ट तो आपने देख लिया, मैंने चार्ट आपको एनालाइज करवा दिया, चार्ट के अंदर क्या हो रहा है। अच्छा चलो मैं एक बार थोड़ा सा एनालिसिस भी दिखा देता हूँ, इसे देख के डरना मत, क्या है ये, ठीक है। देखो कुछ नहीं हुआ, एक हमारे पास ट्रेंड लाइन जा रही थी, चलो हटाओ इसको वरना कंफ्यूज जाओगे। आपको एक ट्रेंड लाइन दिख रही होगी, एक ट्रेंड लाइन का छोटा सा ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। अब ब्रेकआउट हुआ है या आजकल कोई भी ट्रेंड लाइन की तो रिस्पेक्ट हो ही नहीं रही है मार्केट के अंदर, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ छोटी सी बात। देखो ये एक लाइन बना रहा हूं मैं, ये वाली देख रही, ये यहां से ऐसे लेके आते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, और ये जो कैंडल बना रही है, इसने कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है इसका, समझ में आ गई बात। बट ब्रेकआउट तो दिया है, ठीक है, बट आपको पता है ब्रेकआउट आएगा फिर रीटेस्ट आएगा, हो सकता है फिर नीचे आ जाए फिर ऊपर जा सकती है, बहुत सारी चीज हो सकती है। बट एक सिंपल मैंने आपको एनालिसिस बताया है, ठीक है, आप इसको ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट तो मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके माइंड में ये वाला लेवल रहना चाहिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, ये लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका ब्रेकडाउन आया बट इसका रीटेस्ट नहीं हुआ। अब मार्केट ऊपर जाएगा, पहले इसका रीटेस्ट करेगा फिर आएगा नीचे, बात समझ रहे हो? तो ये वाला एनालिसिस अपने माइंड में रखना, अपने चार्ट पे ड्रॉ करके रखो, ये दो लेवल, ठीक है, ये और ये, और फिर आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट कर क्या रहा है। मार्केट अब यहाँ से मुड़ा ऊपर जाकर रीटेस्ट लेगा, फिर नीचे कहीं ना कहीं यहाँ पे फंसता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन भी थी यहाँ पे, बात समझ रहे हो? ठीक है, तो उसका एक तरीके से ब्रेकआउट भी आया है, क्लियर है? चलो भाई, थैंक यू।